बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू टैक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट की एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना अकाउंट किस तरह वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। वेरिफिकेशन आप मोबाइल नंबर से, ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉल से और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप मैसेज मंगवा के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको करना क्या, आपने जाना है अपने ईमेल की सेटिंग में, उसके बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। तो वहाँ के लिखा होगा कि ये आपका ईमेल अकाउंट है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल ऐड नंबर करना है या अल्टरनेटिव पे क्लिक करके आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद ये टैक्स पे या कॉल पे, टैक्स सही रहेगा, आप टैक्स पे सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो कुछ ही देर में आपको एक अपने मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। आपने उस ईमेल को, उस कोड को आपने लिखना है। यहाँ पे वो वेरिफिकेशन कोड में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड लिखूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो जी हाँ, हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। और उसके बाद अब जब भी आप इसे ओपन करेंगे, आपके अलावा कोई बंदा आपकी ईमेल आईडी को ओपन नहीं कर सकता। और एक और बात, जब आप इसको किसी भी और ईमेल आईडी, किसी भी और आईपी एड्रेस किसी और कंप्यूटर पे खोलेंगे, तो आपको ये ईमेल एड्रेस ज़रूर वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई आपका जो ईमेल है वो खोल नहीं सकेगा। अब ये तरीका देखें, वो हमें कह रहा है कि योर वेरीफाई आइडेंटिटी जो है, ये नंबर है। अब आपने करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है और मोबाइल के जो मोबाइल नंबर दिया उसके आखिरी चार फिगर आपने लगाने हैं। तो मैं अपने मोबाइल के वो आखिरी लगा देता हूँ, जो मोबाइल के नंबर के आखिरी चार इनसे रूफ हैं वो नंबर, वो लगाने हैं। उसके बाद सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोबारा वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे आएगा। आपने इसको उस, वो इनसे होंगे 6-7 हिंसों का वो आपका कोड होगा, उसको आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ पे अगर आपने इसी आईपी एड्रेस पे बार बार आपने अपना ईमेल आईडी खोलना है, तो के बार बार ये कोड ना मांगे, तो आपने डोंट आस्क अगेन पे क्लिक कर देना है। तो आपको दोबारा कोड यहाँ इस कंप्यूटर पे नहीं मांगेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जितनी दफ़ा आप यहाँ पे खोलेंगे ना, तो आपको वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आप डोंट आस्क कर दें और वेरीफाई पे यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फिनिशिंग हो गई है स्किप, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये वेरिफिकेशन के लिए हमने जो, हमें 2-3 मेल्स आ चुके हैं कि आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे भी आ चुके हैं। तो ये तरीका था अकाउंट को वेरिफिकेशन का, बाय मेल, बाय नंबर और वेरिफिकेशन कोड मंगवा के किस तरह आपने कोड अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है। और उसके बाद डोंट आस्क, अगर आपने बार बार ईमेल को खोलना है इसी कंप्यूटर पर, तो आपने डोंट आस्क अगेन पर क्लिक कर देना है, तो बार बार आपको वेरीफिकेशन नहीं मांगेगा। तो इसका बड़ा फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि आप जब भी किस अपने कोई भी आपकी आईडी को ओपन करता है, तो उसे ये होगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल एड्रेस हैक नहीं हो सकेगा। तो ये फ़ायदा है इसका। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कॉमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। अल्लाह आप सबका आमीन, नासर अल्लाह ने के।